आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। अमेठी, प्रदेश की कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, देख जन अधिकार पार्टी ने उठाए अपने कदम। प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष रघुनाथ मौर्य ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। साथ ही साथ उन्होंने कहा, हमारे देश में चोरी, डकैती, हत्या, रेप के मामले बहुत तेज आ रहे हैं। ऐसा मामला होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये कब तक चलता रहेगा? हमारी देश की बिटिया कब तक अत्याचार सहती रहेगी? और सरकार की नीति से परेशान है सभी किसान, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का रहा झूठा वादा। नई शिक्षा नीति की तकनीकी रही बेकार में, सब देखते हुए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? रघुनाथ मौर्य, जन अधिकार पार्टी मंडल अध्यक्ष। सर, ये आज आप ज्ञापन दिए हैं, जिस प्रकार का ज्ञापन? ज्ञापन हम लोग प्रत्येक सोमवार को ज्ञापन देते हैं, ये सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू किया है, यह बहुत ही गड़बड़ है। और जो खेती के लिए जो 3 अध्यादेश लाए हैं, वह भी किसानों के लिए बहुत ही गलत है। और बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन एक भी नौकरियां नहीं दिया। और ये जो बिजली का बिल है किसानों का, यह माफ होना चाहिए, क्योंकि किसान अभी तक लॉकडाउन से त्रस्त है। और ये बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। और ये जो कृषि के लिए जो बीज और खाद है, या तो मतलब कम दाम में उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कृषि को, खेती को बढ़ावा मिल सके।